नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा सरकार तरक्की की राह पर है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हर वर्ग के लोगों का खास ख्याल रखते हुए प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने कई ऐसे फैसले लिए जो प्रदेश के हित में रहे, फिर चाहे वो किसानों के रोजगार की बात हो, व्यापार और खिलाड़ियों से जुड़े मुद्दे हों। आइए आपको दिखाते हैं सीएम नायब सिंह सैनी ने राज्य के युवाओं, किसानों और व्यापारियों को क्या खास सौगात दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार राज्य के विकास को लेकर काम कर रही है। इसी कड़ी में सीएम सैनी ने पंचकुला से राज्यवासियों के लिए 3,200 करोड़ की 600 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम ने पंजाबी पीजीटी अध्यापकों को ज्वाइनिंग लेटर भी दिए। इस मौके पर सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि मुझे गर्व है कि आज हरियाणा में बिना खर्चे और बिना पर्ची के केवल मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरियां मिल रही है। का आज 3400 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के उद्घाटन और शिलान्यास के अवसर के ऊपर पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता और आज इस ताऊ देवीलाल स्टेडियम में मेरे सामने बैठे हुए 3878 जो अभी नव नियुक्त आप लोगों को ग्रुप डी और टीजीटी पंजाबी के अंदर लंबे समय के बाद हमारे टीचरों को आज नियुक्ति पत्र यहाँ पर दिया गया है, मैं आप सबका बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आज का ये दिन एक ऐतिहासिक दिन है। मेरे सामने वो प्रतिभाशाली युवा शक्ति उपस्थित है जिसने मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरी पाने में सफलता प्राप्त की है। आज ही यहाँ से विकास की धारा निकलकर पूरे प्रदेश में ये बह रही है। हर क्षेत्र में कोई ना कोई विकास परियोजना का कार्य शुरू हुआ है। ये आज मेरे लिए बड़े गर्व की बात है और आज और भी गर्व की बात ये है जब मैं अपने हरियाणा प्रदेश के ऐसे युवा साथियों के बीच में उपस्थित हूँ जो सरकार में आज नियुक्ति पत्र लेकर के शामिल हो रहे हैं। मैं आप सबको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सीएम सैनी ने आगे कहा कि पूर्व की सरकारों में भाई भतीजावाद का चलन था और पैसों के दम पर लोगों को नौकरियां मिलती थी। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा, हमारी सरकार ने बिचौलियों की दुकानदारी को बंद कर दिया। पिछली सरकारों में नौकरियों की लिस्ट पहले ही अखबारों में छप जाती थी, लेकिन आज मजदूर का बेटा HCS बन रहा है। सीएम सैनी ने आगे जिक्र किया कि बीजेपी सरकार ने नौकरियों में भाई भतीजावाद की व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया है। अब युवाओं को नौकरी के लिए सिफारिश और जुगाड़ की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि केवल प्रतियोगिताओं के दम पर नौकरियां मिल रही है। मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि आज के समय में युवा मंत्री और विधायकों के नहीं बल्कि कोचिंग सेंटर के चक्कर काट रहे हैं। भाइयों, मुझे ये खुशी है कि आज मैं जब ये देख रहा हूँ कि मेरे सामने जो युवाओं के चेहरे पर आज चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं, वह इस बात का परिणाम है कि हाल ही में हमने पंजाबी भाषा के PGT की भर्ती की है। और आप लोग देखते हैं, वो लोग बात तो करते थे परंतु कहाँ TGT थी। भाइयों, जरा हाथ उठा करके मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे भी कई बच्चे मिले हैं कि लंबे समय से TGT पंजाबी के जो टीचर्स हैं उनकी हरियाणा में भर्ती नहीं हुई है। मैंने उनको आश्वस्त किया था कि हमने भाइयों बच्चों के एग्जाम ले रखे हैं और जल्दी ही हम उन बच्चों का रिजल्ट निकाल देंगे। आज मुझे ये खुशी है कि आज भाइयों 104 बच्चे TGT पंजाबी के हरियाणा प्रदेश के अंदर पंजाबी को और आगे बढ़ाते हुए हमने इन बच्चों की नियुक्ति की है। इसके लिए भी मैं आप सबको
और हरियाणा प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास योजना के विस्तार को मंजूरी दी और इसके लिए एक नया पोर्टल भी लॉन्च किया। सीएम सैनी ने कहा कि प्रदेश में पिछले दिनों में 10 कार्यक्रमों में 2891 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है, जिनकी कुल लागत 24,221 करोड़ रुपए है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा, हम सबका साथ, सबका विकास और सभी का विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि बुनियादी ढांचा विकास का एक महत्वपूर्ण उपाय है। इन परियोजनाओं का एक साथ उद्घाटन और शिलान्यास सभी क्षेत्रों में व्यापक विकास की दृष्टि को दर्शाता है। सीएम सैनी ने आगे कई और बातों का जिक्र करते हुए साल 2014 का भी जिक्र किया और कहा कि 2014 से पहले हरियाणा निराशा, अविश्वास और क्षेत्रवाद से ग्रस्त था। सीएम सैनी ने कहा, वर्तमान राज्य सरकार में नौकरियों की पार्टी, आज हमारी सरकार में राज्य तेजी से विकास के पथ पर बढ़ रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।